अभी हम लाइव टेस्ट करेंगे प्लेटिना एबीएस के ब्रेक्स कैसे हैं, और लाइव आपको भी दिखाऊंगा। नॉन एबीएस और एबीएस दोनों बाइक रहेगी। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, थोड़ा रिस्की भी है। रिस्की क्यों मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास तीन सरफेस है, मतलब तीन लेवल है। एक है सिंपल रोड, जहाँ पर कि जैसे नॉर्मल रोड अपने होते हैं, उसके अलावा एक है जिस पर ग्रेवल पड़ी हुई है, ग्रेवल के ऊपर हमें ब्रेक लगाने हैं। एक है थोड़ा सा स्लिपरी रोड है, मतलब चिकना है, जिसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। तीन स्टेज है भाई, रोड को इतना चिकना कर रखा है ना, बारिश में भी इतने चिकने रोड होते नहीं है। मतलब फुल एक्सट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटिना के साथ, देखें कितने तगड़े एबीएस है। और इधर देखो ये वाला सरफेस है ना भाई, इतनी ग्रेवल डाल रखी है, इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बिछा रहे हैं, मतलब कि फुल ऑन एक्सट्रीम। लो भाई हमें भी देखना है भाई प्लेटिना के ऐसे कितने तगड़े एबीएस आ गए। काफ़ी मन कर रहा है वैसे करने का, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। फिर भी सेफ्टी के लिए ये लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में वहम होता है ना भाई, कभी गिर जाए तो थोड़ी हेजिटेशन आती है मन से ब्रेक लगाने के लिए। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट ट्राई करने की कि भैया तीनों जगह पे बाइक किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाती है। नॉन एबीएस हो चाहे एबीएस हो, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमें जाना है अपनी बाइक लेकर, जहाँ पर कि सिंपल रोड है। खैर बाइक रिपट भी जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, घूम भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डर तो लगेगा, बहुत डर लगेगा। लेकिन फिर भी अपनी साइड से भाई बेस्ट करने की ट्राई करेंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। ये अपना लेवल फर्स्ट है, एक क्लीन रोड है, और अपनी सेफ्टी वाली ये चीज़ें आप देखो यार कैसे काम करती है। अभी मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह से मैं बाइक चला रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकालती है, सॉरी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्या है बाइक की। तो नॉन एबीएस को देखते हैं सबसे पहले। ये नॉन एबीएस थी भाई, मतलब वही सेम जैसा अपन चलाते हैं, बस क्या है कि डिफरेंस ये आ जाता है मैन कि कैसे रुक रही है, स्टेबल कितनी है, ब्रेक लगाते टाइम क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखते हैं अपनी एबीएस वाली बाइक कैसे परफॉर्मेंस दे पाती है, कितना स्टेबल रख पाती है हमें। नॉन एबीएस तो वैसे ही भैया थोड़ी इधर उधर जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी ठीक ठाक मिल रही है इस रोड पर, तो कुछ खास मिल नहीं रही है। ये हो जाती है अपनी एबीएस वाली बाइक भाई, सही में यार एबीएस का तो टेस्ट ही अलग होता है यार। एबीएस ऑन इसमें इंडिकेट भी करता है भाई मीटर में, ठीक है, जब एबीएस किक इन करेगा ना। खैर ये फीचर हर बाइक में नहीं मिलेगा आपको, जब एबीएस किक इन करेगा तो उसमें दिखाई देगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये वाला फीचर, तो मैंने अभी नोटिस किया यार, इसका एक तो रैप हटाते हैं मैंने, ये मैंने कई बाइकों की हटा दी है रैप। तो यहाँ पर एबीएस किक इन करवा के दिखाता हूँ आपको, देखो दिख रहा है एबीएस ऑन करके इंडिकेट कर रहा है। तो एबीएस ऑन होगा जब किक इन करेगा, तो यहाँ पर आपको मीटर में भी दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले लेवल पे, वो लेवल थोड़ा हार्ड है। तो अभी अपन लेवल टू पे आ गए हैं। लेवल टू पे क्या है, ग्रेवल पड़ी है भाई आगे, बहुत खतरनाक वाली ज़बरदस्त ग्रेवल है। और देखते हैं यहाँ पर ड्रम ब्रेक है भाई, रिपटेगा तो बड़ा खतरनाक, डर भी लग रहा है थोड़ा, बट करना है, टेस्ट करना है, हमें भी समझना है एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ जाता है भाई, है ना। तो भाई एक बार तो फटके हाथ में आ गई थी, बाकी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यार बहुत फर्क है ब्रेकिंग में। एक बार ना दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार थोड़ा डर खुल गया है। एक मस्त चीज़ लग रही है पता है क्या, जब इसको टर्न कर रहा हूँ ना, तो ये जैसे विंग्स से बने हुए हैं, प्लेन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे प्लेन के विंग्स होते हैं ना बड़े बड़े, और उनको टर्न करते टाइम ऐसे बहुत ध्यान से, मतलब ऐसा फील आ रहा है, छोटा सा प्लेन है मेरे पास और ये विंग्स है उसके। इस बार मैं मस्त करूँगा, टेंशन ना लो। ओ भाई दो तीन करूँ ऐसा, देख क्या मज़े आ रहे हैं हमारे कैमरेमैन को। लेवल टू है ये, और बाइक अपग्रेड कर ली है हमने, अब ये हमारी एबीएस वाली बाइक है। इसका फील देखते हैं कैसा आता है भाई, सेम उसी जगह पे भाई, सही बता रहा हूँ, बड़ी काम की चीज़ है यार ये खतरनाक। शुरुआत में डर लगा, लेकिन फिर बाद में मैंने तो छोड़ दिया, मैंने कहा अपने आप बैलेंस हो जाएगी जैसे भी होगा, ठीक है, क्योंकि गिरने वाली तो है नहीं। तो अब ये एबीएस वाली है, भाई कितने आराम से कंट्रोल कर लिया यार। देखो एबीएस किक इन इसमें भी आ रहा है, मतलब और एक बार और करते हैं, ऐसा करते हैं दो टेस्ट तो करने बनते हैं ग्रेवल के, ठीक है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे एबीएस जरूरत है, वो यही पार्ट है नॉर्मल रोड्स के ऊपर, यही वो जगह है इस पर मैक्सिमम ग्रेवल पटक रखा है। वो रोड के ऊपर फिर भी इतने नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम ही है। मैंने 5 गियर लगा दी, वो आदत थोड़ी गंदी पड़ी हुई है ना भाई, अभी 3rd गियर, 2nd गियर, 1st गियर, ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस रहता है, कितनी स्टेबल रहती है भाई, क्या ही बताऊं।
एवीएस और नॉन एवीएस में फर्क तो दिन रात का भाई, सेफ्टी के लिए सच बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो देखते हैं लेवल 3 में अपनी प्लेटिना नॉन एवीएस वाली किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाती है भाई। अरे वाह, पता ग्रेवल वाले पे चला है ना, वहाँ पर रिपट्टी, तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं अभी होपलेस नहीं हो रहा हूँ, ना ही पैर नीचे जा रहे हैं और ना ही डर लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब मस्त चल रही है एकदम से। एक बार और दो अटैम्प्ट करेंगे अपन, कि ज़्यादा लीन नहीं कर पा रहा हूँ मैं भाई को, देखा मैं इस साल क्या मस्त चीज़ है। तो हाँ एक बार और, भाई एवीएस को छोड़ो ना, ये लगवा लो अपनी भाई में, सही बता रहा हूँ। खैर ये मजाक था, देखो एवीएस तो एवीएस है भाई, ट्रक से भी ज़्यादा जगह ले लेगी यार ये तो, क्या कमाल की चीज़ है। अब अपना एवीएस का टाइम लेवल 3 के ऊपर, एवीएस कैसे रिएक्ट करता है इस जगह के ऊपर, ठीक है तो देखते हैं। ओहो भाई साहब देखो, आनंद तो है यार, आनंद वाली चीज़ है ये वैसे, सही बताऊँ तो मतलब प्लेटिना कम्फर्ट के साथ जच रहा है एवीएस, क्योंकि कंफर्ट ब्रेक लगाने में भी आ रहा है ना बढ़िया। एक बार वो ट्राई करते हैं नॉन एवीएस में, क्या है कुछ अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, तो थोड़ा मज़ा आ रहा था, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्योंकि यार इतना सेफ हो जाता है ना, क्या ही बताएं। देखो भाई साहब डिस्प्ले के ऊपर भी एवीएस दिखाई देता है जब काम करता है, आपको समझ में आया था कि भैया की एवीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस वजह से डिस्प्ले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में आता है यार। मस्त चीज़ है भाई, बहुत मस्त चीज़, तगड़ी क्या बताए। तीनों ट्रैक पे चलाई मैंने बारी बारी से, सबसे मस्त जो ट्रैक लगा वो ये दो लगे, एक तो ग्रेवल वाला और एक पानी वाला। भाई शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, एजिटेशन थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कहीं अटक तो नहीं जाऊँगा, कहीं रिपट के इधर उधर चली जाए बाइक, लेकिन मस्त है भाई ये विंग्स ही बहुत पसंद आ गया मुझे तो। एक ऐसा करता हूँ, उसे बात करता हूँ भाई विंग्स से, तो एक बाइक के निकाल कर पेमेंट कर देंगे यार, या इतना तो फ्री में भी दे देना चाहिए यार। हर तरह के सरफेस और जगह पर मैंने बाइक को चलाकर देखा है, आपको भी दिखाया भाई, बहुत ही सेफ ब्रेकिंग रहती है एवीएस के साथ। मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी था, अगर आप ये समझना चाहते हो कि एवीएस का फ़ायदा क्या है, एवीएस का काम क्या है और एवीएस कैसे काम करता है, ये वीडियो इनफ था भाई। किस किस तरह पे हमने टेस्ट किया बाइक को आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक फ़ायदा और बताता हूँ भैया एवीएस वाली बाइक लेने का, लाइफ तो सेव होती है लेकिन दूसरों की लाइफ भी सेव होती है इससे। उसका रीज़न पता है क्या है, कि अगर आप एवीएस वाली बाइक लेकर आते हो और कोई दूसरा दोस्त या फिर भाई आपका चलाता है, तो कल को वो भी एवीएस की साइड ही जाएगा, क्योंकि उसको टेस्ट लग जाएगा भैया, तो खून मुँह लग जाता है ना, तो बंदा दूसरी चीज़ में जाता नहीं है। बहुत फ़ायदे हैं भैया एवीएस के, मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूँ भैया एवीएस वाली बाइक हमेशा प्रेफर करा करो। मैं खुद 2011-12 से सीवीआर में चला रहा हूँ, तो एवीएस वाली बाइक है भाई, उस टाइम से मैं भी चला रहा हूँ, तो इस वजह से भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवीएस की बाइक की साइड जाना। इससे होगा क्या, सेगमेंट में बाकी कंपनियां भी एवीएस की शुरुआत करेगी फिर जब आप इसकी तरफ जाओगे तो। बाकी इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाइक बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो। ये थोड़ा मूड बढ़िया बढ़िया सा फ्रेश फ्रेश सा हो रहा है ना, मतलब क्या क्या टेस्टिंग करिए, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जोश आ गया। बाकी मिलते हैं, बाय बाय टाटा, टेक केयर।